रायबरेली के जिला अध्यक्ष पंकज कुमार तिवारी कांग्रेस पार्टी के द्वारा सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ डीएम कार्यालय में आकर धरना प्रदर्शन किया। उनकी मांगों के अनुसार भाजपा सरकार निकम्मी सरकार है और उसने किसानों के हित के लिए कोई काम नहीं किया। जो किसानों देश का अन्नदाता है, आज उसे खाद की समस्याओं के लिए जूझना पड़ रहा है। जो सरकार किसान की बात नहीं करेगा, वह सरकार में बने नहीं रहेगा। रायबरेली से संवाददाता दुर्गेश गुप्ता की रिपोर्ट। किस लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण? आज हमारे उत्तर प्रदेश का किसान, जो हमारा अन्नदाता है, परेशान है। इस समय खेत की बुआई का, गेहूं की बुआई का समय आ गया है। किसान हमारे भाई जो है, खाद के केंद्रों पर सुबह से लेकर के शाम तक लंबी लंबी लाइनों में लगे रहते हैं। उनको डीएपी खाद नहीं मिल पाई। हमारे किसान सबसे ज्यादा किसान इस भाजपा की सरकार में परेशान है। किसान ने अपना अभी धान काटा, क्रय केंद्र केवल कागजों पर खोल दिए गए हैं। आप क्रय केंद्रों पर जाएंगे तो वहां पर धान की खरीद नहीं हो पा रही है। हर चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। हम सारे कांग्रेस के लोग आज यहाँ पर कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम कार्यालय के सामने सरकार से मांग करते हैं, धरना प्रदर्शन के माध्यम से, कि जो किसानों की खाद की समस्या है, इसको दूर करें। नहीं तो हमारा किसान कैसे अपना जीवन यापन करेगा? कब तक करेंगे धरना प्रदर्शन? जब तक डीएपी खाद नहीं मिल पाएगी, हम सारे कांग्रेस के लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी हाल ही में हम लोगों ने सारे हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी, हमारे किसान के नेता, सब लोगों ने मिल करके धरना प्रदर्शन किया था, सरकार को जगाया था। लेकिन उस अनुपात में अभी खाद नहीं मिल पा रही है। अभी क्रय केंद्रों पर अभी हम जो खाद के वितरण केंद्र है, पर खाद उपलब्ध नहीं हो रही है। तो जब तक किसानों को खाद नहीं मिल पाएगी, हम सारे कांग्रेस के लोग संघर्ष करेंगे और उनको खाद दिलाने का काम करेंगे।